कैसे लगे ये पन्नी बनना? बढ़िया है ना, अच्छे प्लांटर्स। ये बने हैं हमारे ऑयल के कैन से। चलिए देखते हैं कैसे बने हैं। तो दिस इज़ स्वाति, वेलकम टू नेचर ट्रेजर। ये है राइस ब्रैन ऑयल का 5 लीटर का कैन। इसमें हमें जो है ऊपर का जो हिस्सा है, इनफैक्ट नीचे का जो हिस्सा है, जो हमारा बाद में ऊपर का हो जाएगा जहाँ प्लांट लगेगा, वो हम काट लेंगे। तो नीचे का हिस्सा को आप किसी शार्प नाइफ से गरम करके, या अगर आपके पास प्रेसिजन कटर है तो उससे आप इसको निकाल लीजिए, और उसके बाद सैंड पेपर की हेल्प से उसको अच्छे से रब कर दीजिए, जिससे अगर कोई शार्प एज होगी उसकी तो वो हट जाएगी, ताकि ये आपके हाथ में बाद में ना लगे। अच्छा, ऑयल कैन पे जो स्टिकर लगे होते हैं ना, उसे उतारने का बेस्ट वे है, उसे गैस पे आप गरम कर लो। गरम करने से उसकी ग्लू पिघल जाएगी और जल्दी ही से उतर जाएगी। तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा गरम करो और पील ऑफ कर दो, बहुत आराम से निकल जाएगी। अब हम बनाते हैं इसके आईज, क्योंकि अब हम लेडी बना रहे हैं तो लेडी की आई तो सुंदर होनी चाहिए ना। तो बहुत उसको पहले जो आपका नॉर्मल स्केच पेन है उससे आप इस पे आई बनाइए, उसके बाद परमानेंट मार्कर लेके उसको अच्छे से फिल कर दीजिए। क्योंकि क्यों हम पहले यूज़ करते हैं नॉर्मल जो स्केच पेन है, क्योंकि वो अगर आप गलती भी कर देते हैं तो वो इजीली साफ़ हो जाता है, और परमानेंट मार्कर फिर वो परमानेंटली रह जाएगा और वो साफ़ नहीं होगा। इसलिए पहले ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल स्केच पेन यूज़ कीजिए। अब इसको अच्छे से, इसकी जो आईब्रोज हैं और जो आईज़ हैं, वो हम बहुत अच्छे से सब कुछ ड्रॉ कर लेंगे। ज़्यादा काम इसमें नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सुंदर बॉटल है। इसमें जस्ट सिंपल हमें आईज़ ही ड्रॉ करनी है मेनली। वो दो आप लाइंस लगा के उसके बाद में उसे मार्कर से कवर कर दीजिए। तो ऐसे हम इसको जो है, देखो ऐसे बना लेंगे, बहुत सुंदर लगता है। अभी से ये देखो दिखने लगा है, शेप लेने लग गया है। अब फिर हमने ऐसे ही ड्रॉ किया, और अब इसके हेयर के लिए, कि जहाँ तक हेयर आना है वहाँ तक हम इसको ड्रॉ कर देंगे ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर से हम इसके हेयर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से जो है वो हेयर के लिए ब्लैक कलर भर देंगे। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर है ना, ये मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। आप चाहो तो इनेमल भी यूज़ कर सकते हो, इनेमल ज़्यादा देर तक टिकता है, और जो एक्रेलिक कलर है उसके ऊपर आपको वार्निश करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर इनेमल जो है वो ज़्यादा कामयाब है रादर देन एक्रेलिक कलर। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इनेमल सूखता बहुत दिन में है, उसको सूखते सूखते ऑलमोस्ट पूरा दिन लग जाता है। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर बाद में मैं वार्निश का एक कोट मार दूँगी। यहाँ पर देखो, ये जो बोरला है इसका मांग टीका, ये हमने स्टेपलर से लगा दिया, स्टेपल कर दिया। उसके बाद हॉट ग्लू गन ली, और हॉट ग्लू गन से इसको पूरा हमने ऐसे लेस लगानी है ना यहाँ पर, क्योंकि अब लड़की बनी है तो सजाना तो पड़ेगा। तो उसको अच्छे से ऐसे ही, मेरे पास लेस रखी हुई थी तो उस लेस को अच्छे से हमने इस पर लगा दिया है, फिक्स कर दिया है। अच्छा, जब आप हॉट ग्लू गन यूज़ करोगे ना, तो आप ध्यान रखना कि आप जल्दी जल्दी से इसको प्लेस कर देना, अदरवाइज़ वो सूख जाएगी और फिर इसको चिपकाना बहुत मुश्किल होगा। ये देखो, और थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे निकल भी गया, जिसको हम बाद में फिक्स करेंगे, दोबारा से हम पेंट करेंगे और उसके वार्निश में हम कवर कर देंगे। तो हॉट ग्लू गन लगा के फटाफट से इसको प्लेस कर देना है, जिससे ये वहाँ पे फिक्स हो जाएगा और फिर निकलेगा नहीं। ये है इसका फाइनल लुक। हमारी ये जो आप इयररिंग देख रहे हो ना, ये वाले इयररिंग, ये एक्चुअली हेयर बैंड के ऊपर आए थे। जो हेयर बैंड अब मेरी बेटी यूज़ नहीं कर रही थी, वो हेयर बैंड हमने जो है उसमें से ये निकाल लिए थे। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अब यूज़ नहीं होती है, उसको इस तरह से हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसके इयररिंग्स बन गए। एक बेटी की जो मेटल की चूड़ी थी वो इसका नथ बन गई, उसको बीच में से काटा और डाल दिया। ये इसका फाइनल लुक है। तीन हमने बनाई हैं, तीनों को अलग अलग लुक दिया है, तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई हैं। हेयर बैंड के मेरे पास में दो हेयर बैंड थे, वो लग गए और तीनों को डिफरेंट लुक दिया। अब लेडीज़ तो बन गई, अब हमें जो है ना एक सुंदर सा हमने ये आदमी भी बनाया है, जिसकी बहुत सुंदर सी पगड़ी है,
इस पे भी सेम ही किया और कलर किया और इसकी जो पगड़ी बनाकर ग्रीन कलर किया और उसके ऊपर डॉट 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 लगा दिया। इसकी जो मूछें है ना वो भी एक प्लास्टिक शीट थी, डायरी के बीच में पेज आता है ना प्लास्टिक वाला, उसको कट किया और उसे ब्लैक कलर करके यहाँ पर चिपका दिया। बहुत अच्छा लग रहा था, इनफैक्ट लेडीज़ से भी ज़्यादा ये सुंदर लग रहा था। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना ऑर्नामेंटल पीस, ये मेरी रिंग का टूटा हुआ टुकड़ा था जो कहीं काम नहीं आ रहा था, ग्लू गन से इसको भी यहाँ पर हमने लगा दिया है गोल्डन गोटे के साथ में। बहुत अच्छे हमारी शेप्स बन जाती है। और भी बहुत सारी बनाई थी हमने लेकिन वो मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है, मैं उसके लिए सेपरेट पोस्ट डालूंगी। वो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पे प्रेस करना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट करती हूँ रादर देन मेकिंग वीडियो, तो उसको देखने के लिए ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।